हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बात कर लेते हैं फ्री फायर कुछ और नए लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा अपडेट निकल का था फ्रेंड्स, वो है गन के कुछ नए स्किन्स को लेकर। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है टोटल 4 गन के नए स्किन्स आने वाले हैं इंडिया में। और गाइज, ये जो गन के स्किन है वो इंडोनेशियन सर्वर में भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो चलिए मैं जल्दी से नाम बता देता हूँ वो कौन कौन से गन के स्किन्स अवेलेबल हो चुके हैं इंडोनेशियन सर्वर में। पहला जो गन का स्किन है फ्रेंड्स, वो है M60, UMP, XM8 एंड M14। तो अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर भी ये सारे स्किन देख लिए होंगे। तो ये सारे जो गन के स्किन है वो अवेलेबल हो चुके हैं इंडोनेशियन सर्वर में, एंड बहुत जल्द ही इंडिया में भी ये जो सारे गन के स्किन है वो आ सकते हैं। एंड गाइस, बात की जाए इस गन की स्किन की, तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन से वेपन पे ये जो स्किन है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिलहाल बात की जाए मेरी, तो UMP पे ये जो कलर है फ्रेंड्स वो अच्छा लग रहा, और जो चारों स्किन मैंने आप लोग दिखाया, तीनों स्किन, वहाँ पे कुछ खास कलर जचा नहीं, और UMP पे ये जो कलर है बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन से वेपन पे ये कलर अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, बात की जाए इस वेपन की, तो क्रेट्स के फॉर्म में ये जो वेपन है अवेलेबल होंगे, मतलब कि एक ही क्रेट के अंदर 4 वेपन अवेलेबल होगा। एंड जो क्रेट्स का प्राइस रखा गया है इंडोनेशियन सर्वर में, उसका प्राइस है 35 डायमंड्स। अब इंडिया में कितना डायमंड में देखने को मिलेगा एक क्रेट, कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जल्द ही इंडिया में भी ये जो क्रेट्स है अवेलेबल हो जाएंगे। और कितना डायमंड में दिया जाएगा फिलहाल मैं नहीं कह सकता, तो हो सकता है 35 डायमंड में ही एक क्रेट्स दे दिया जाए इंडिया में भी। और गाइज, आप लोगों को पता होगा क्रेट्स में कभी भी कोई चीज़ परमानेंट जल्दी निकलता नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा क्रेट मिल रहा है तो ये जो चारों गन के स्किन है उसमें से कोई एक हम लोग को परमानेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक क्रेट के अंदर टोटल 4 गन के स्किन होंगे, चारों में से कोई एक भी निकल सकता है, और वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्प्रेरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा थोड़े से आपके लक पे और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे। तो खैर, चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल का था फ्रेंड्स, वो है एलिमेंट्री हेलमेट को लेकर। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, अभी समर इवेंट में ये जो एलिमेंट्री हेलमेट है, चारों जो हेलमेट है वो लोग को फ्री में दिए जा रहे हैं, एंड बहुत बंदे को जो हेलमेट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो कुछ बंदे चाह रहे होंगे मुझे ग्रीन कलर का हेलमेट चाहिए लेकिन उसको रेड कलर का मिल गया, कुछ बंदे चाह रहे होंगे मुझे रेड कलर का हेलमेट चाहिए लेकिन उन लोगों को स्काई ब्लू कलर का हेलमेट मिल गया, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो गाइज, इन्हीं सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए गैना वालों ने इन सारे हेलमेट को स्टोर सेक्शन में अवेलेबल करा दिया है। तो ब्राज़ीलियन सर्वर में ये जो अपडेट है वो आ चुका है, और जल्द ही इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल डेट निकल कर आ चुकी है कभी अपडेट इंडिया में आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को डेट नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ और 2 या 3 दिन बाद वो अपडेट आता है, तो बस जिस दिन मैंने डेट बता दिया उस दिन नहीं आ पाया, तो आप लोग कमेंट करके बोलने लगते हो भाई तूने जो डेट बताया था वो डेट गलत हो गया, तू फेक वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, इसलिए मैं डेट आप लोगों को नहीं बताने वाला। हाँ, बस मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा कि ये जो अपडेट है वो जल्दी आने वाला है, और स्टोर में ये जो हेलमेट्स है एलिमेंट्री हेलमेट्स है वो जल्द ही आने वाले हैं इंडिया में भी। खैर गाइस, बात की जाए ब्राज़ीलियन सर्वर की, तो ब्राज़ीलियन सर्वर में ये जो एलिमेंट्री हेलमेट्स है वो 299 डायमंड्स, लगभग 300 डायमंड्स में दिया जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो स्टोर सेक्शन में ये अवेलेबल हो चुका है ब्राज़ीलियन सर्वर में, और लगभग 299 डायमंड्स में ये दिए जा रहे हैं। एंड गाइस, बात की जाए इंडिया की, तो अगर ये हेलमेट इंडिया में अवेलेबल हुआ तो कम से कम 399 डायमंड्स लेंगे गाइज, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी इंडिया में फ्री फायर का डिमांड बढ़ गया है, एंड आप लोग को पता होगा डिमांड बढ़ा तो भाई प्राइस बढ़ा, सीधी सी बात है, अगर ये डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, और सेम चीज़ हो रहा है फ्री फायर में, आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, वेपन के जो क्रेट्स थे उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है फ्रेंड्स। बात की जाए वेपन रॉयल सेक्शन में स्पिन करने की, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है पहले के मुकाबले। इनक्यूबेटर सेक्शन में भी पहले 135 डायमंड लगता था 5 स्पिन करने का, लेकिन अब उसको 300 डायमंड से भी ऊपर कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो यार, ये कौन करा रहा है, आप लोग करा रहे हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टॉपअप कर रहे हो। अगर फ्री फायर में आप लोग ज़्यादा टॉपअप करोगे तो उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो यही चीज़ हो रहा है। अब आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों को फ्री फायर में जो भी डायमंड से उसका प्राइस कम करवाना है, डायमंड का रेट कम करवाना है, तो आपको कम से कम टॉपअप करना होगा। और अगर आप लोग ये नहीं करोगे डिमांड बढ़ता चला जाएगा और डायमंड का जो रेट है वो भी बढ़ता ही चला जाएगा, तो आप लोग देख लो आप लोगों को क्या करना है। तो फिलहाल मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया, ये जो एलिमेंट्री हेलमेट है वो जल्द ही अवेलेबल होने वाला है इंडिया में, और जैसे ही स्टोर में अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, तो मैं जैसे कि मैंने आप लोग बताया 399 डायमंड से नीचे नहीं आने वाला ये। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना है क्या आप लोग इस हेलमेट को लेना चाहोगे या नहीं, एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो है स्पाइडर बैकपैक को लेकर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई क्या कमाल का बैकपैक था, और जिस दिन मैंने लीक में ये बैकपैक देखा था उसी दिन मैंने डिसाइड किया था भाई ये बैकपैक तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये बैकपैक लेना है। लेकिन ये जो बैकपैक है इनक्यूबेटर सेक्शन में स्पिन करने पे आया तो मैंने अपना मन बदल लिया। लेकिन हाँ, मेरे किसी चैनल के मेंबर ने बताया कि भाई अगर आपके पास
ये एवोल्यूशन स्टोन है, तो आप लोग फ्री में इस बैकपैक को ले सकते हो। और उसका उस बंदे का मैं नाम भूल गया, तो अगर वो बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक्स भाई, दिल से शुक्रिया। तो आप कमेंट जरूर करना अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो उसी ने ये बताया कि अगर आपके पास 4 एवोल्यूशन स्टोन है तो आप इसको फ्री में इस बैकपैक को ले सकते हो। और मुझे सच में ये जो बैकपैक है बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मैंने इस बैकपैक को ले भी लिया। आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस बैकपैक को लिया या नहीं। और अगर आप लोग को नहीं पता फ्रेंड्स, तो आप लोग फिर से सुन लो, इनक्यूबेटर सेक्शन में ये बैकपैक फ्री में दिया जा रहा है। सिर्फ आपके पास अगर 4 एवोल्यूशन स्टोन है तो आप लोग इस बैकपैक को फ्री में ले सकते हो। तो अगर आप लोग के पास है 4 एवोल्यूशन स्टोन तो जाकर ये बैकपैक ले लो। तो गाइस बात करते हैं अब लीक की। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया यार फ्रेंड्स, ये जो बैकपैक है वो हमारे स्टोर सेक्शन में अवेलेबल होने वाला है। तो अभी डेट निकल कर सामने नहीं आई है कि किस दिन ये जो बैकपैक है वो अवेलेबल होगा, लेकिन हाँ लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ये जो बैकपैक है वो जल्द ही ब्राजीलियन सर्वर में अवेलेबल होने वाला है। एंड जो इस बैकपैक का प्राइस रखा जा रहा फ्रेंड्स, फिर से वही प्राइस है 299 डायमंड्स, 299 डायमंड में ये जो बैकपैक है वो ब्राजीलियन सर्वर में देखने को मिल जाएगा। और जिस दिन ये ब्राजीलियन सर्वर में ये जो बैकपैक है स्टोर में आया, उसके 2 या 3 दिन बाद इंडिया में भी ये जो बैकपैक है वो स्टोर में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई, डिमांड बढ़ा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस जो बैकपैक का प्राइस है वो भी कुछ ज़्यादा ही रखा जाएगा इंडियन सर्वर में। और फिर से वही 399 डायमंड्स या फिर 499 डायमंड्स इस बैकपैक का प्राइस हो सकता है इंडियन सर्वर में। तो खैर मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं सकता मैं और कन्फर्म भी होकर नहीं बोल सकता। हो सकता है 299 डायमंड्स में भी ये जो बैकपैक है वो इंडिया में भी प्रोवाइड करा दिया जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, जैसा मैं अभी देख रहा हूँ, जैसा भी कंडीशन चल रहा है इंडिया में, जिस तरीके से प्राइस बढ़ाया जा रहा है डायमंड का, तो फिलहाल कहना मुश्किल है। तो ये जो बैकपैक है इंडिया में भी अवेलेबल होने वाला है जल्दी। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता फ्रेंड्स, वो है पांडा की स्किन को लेकर। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, स्केल्टन पांडा शायद से इसका नाम था ना, स्केल्टन पांडा शायद से। तो ये जो पांडा का स्किन है फ्रेंड्स, ये इंडिया में बहुत पहले ही अवेलेबल हो चुका है और रिचार्ज इवेंट में ये जो पांडा का स्किन है वो फ्री में दिया जा रहा था। तो शायद से हम लोग को 700 डायमंड खरीदना था, तब जाकर ये जो पांडा का स्किन है वो हम लोग को फ्री में दिया जा रहा था। तो जिन लोगों ने ये जो पांडा का स्किन है फ्री में नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, ये जो पांडा का स्किन है वो स्टोर सेक्शन में जल्द ही इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। ब्राजीलियन सर्वर में ये जो पांडा का स्किन है वो अवेलेबल हो चुका है। एंड गाइस फिर से ये जो पांडा का स्किन है वहाँ पर 299 डायमंड्स में ही दिया जा रहा। मतलब यार क्या बात है यार, 299 डायमंड, 299, मतलब वहाँ पर हर चीज़ 299 डायमंड में ही मिलते हैं क्या, हद है। तो खैर वहाँ पर 299 डायमंड में ये जो पांडा का स्किन है वो दिया जा रहा है, खैर अच्छी बात है। तो देखते हैं इंडिया में इसका क्या प्राइस रखा जाता है। फिर से मैं वही कहूँगा, डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा। खैर बार बार मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तो हो सकता है ये जो पांडा का स्किन है इंडिया में आए तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस करके आए, या तो फिर हो सकता है 199 डायमंड में भी दे सकते हैं ये पांडा का स्किन। तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, अब जब ये इंडिया में आएगा तभी पता चलेगा कितना डायमंड में ये इंडिया में प्रोवाइड कराएंगे इस पांडा की स्किन को। खैर ये जो स्किन है वो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, अच्छा लगा। तो 299 डायमंड में अगर ये इंडिया में आया तो मैं जरूर से जरूर इसे लेना चाहूँगा, और इससे ज़्यादा प्राइस हुआ तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना फ्रेंड्स, रिचार्ज रेट में क्या आप लोग इस पांडा की स्किन को ले चुके हैं, या फिर अगर ये स्टोर में आएगा तो क्या आप लोग इसको लेना चाहेंगे या नहीं, कमेंट जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता फ्रेंड्स, वो है कुछ नए शूज़ एंड इमोट्स को लेकर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स, शायद से इसका नाम किक द मून है। तो ये जो इमोट है फ्रेंड्स, वो अवेलेबल होने वाला है हमारे स्टोर सेक्शन में। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा फ्रेंड्स, किक द मून ये जो इमोट है वो ब्राजीलियन सर्वर में अवेलेबल होने वाला 17 तारीख को, यानी कि आज वो अवेलेबल हो भी चुका होगा। एंड गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो शूज़ दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये शूज़ भी अवेलेबल होने वाला है स्टोर सेक्शन में। तो ब्राजीलियन सर्वर में ये जो शूज़ है वो भी अवेलेबल हो चुके होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें फ्रेंड्स वो अवेलेबल होने वाली इंडिया में, तो जल्द ही इंडिया में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड गाइज किक द मून ये जो इमोट है, इसका प्राइस रखा गया है 299 डायमंड्स ब्राजीलियन सर्वर में। इंडियन सर्वर में कितना रखा जाएगा कुछ कह नहीं सकते। और ये जो शूज़ है, इस शूज़ का प्राइस रखा गया है 99 डायमंड्स, और 3 कलर अवेलेबल है, ब्रोंज़ सिल्वर एंड गोल्डन। तो अगर आप लोग को इन तीनों कलर में से कोई भी कलर का शूज़ पसंद आया तो आप लोग आराम से 99 डायमंड खर्च करके ले सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में लेगा। और हाँ, ये जो किक द मून इमोट है शायद से कोई ले भी ले, लेकिन ये जो शूज़ कोई लेना पसंद करेगा मुझे नहीं लगता। खैर आप लोग का क्या राय है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो इमोट है इंडिया में आएगा तो क्या आप लोग इसको खरीदना चाहोगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो है फार्मास के नए गन के स्किन को लेकर। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था, कल ही मैंने लीक दे दिया था कि फार्मास गन का नया स्किन भी आने वाला है। एंड गाइस उस स्किन का नाम रखा जा रहा है फार्मास ब्लैक विडो।
क्या नाम है यार, फामास ब्लैक वीडो। तो आप लोग को मैं अभी एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो को देख लो, फिर इसके बारे में और बात हम लोग करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा फ्रेंड्स, ये जो फामास गन का जो नया स्किन है वो इंक्यूबेटर सेक्शन में अवेलेबल होगा। तो अभी फिलहाल इंक्यूबेटर सेक्शन में जो अभी नया स्किन चल रहा है, तो जैसे ही ये जो स्किन का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स ये जो फामास है वो अवेलेबल हो जाएगा इंक्यूबेटर सेक्शन में। तो फामास यूज़र वालों रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ आने वाले है फ्री फायर में, स्टोर में बहुत कुछ आने वाला है और इंक्यूबेटर सेक्शन में भी। जैसे ही अभी एक नया कॉस्ट्यूम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो फामास का नया गन का स्किन है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यार आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग सेकेंडरी गन में फामास को रखते हो, और क्या आप लोग इस गन के स्किन को खरीदना पसंद करोगे या नहीं जब ये इंक्यूबेटर सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करना। चलिए बात करते हैं और भी कुछ नए अपडेट्स की। तो हमारा अगला जो अपडेट निकल कर आता है फ्रेंड्स वो है M4A1 गन के स्किन को लेकर। और आप लोगों को पता होगा वेपन रॉयल सेक्शन में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो गन का स्किन है वो बहुत पहले अवेलेबल हो चुका था, तो बहुत सारे बंदों ने इस गन के स्किन को नहीं लिया था। तो ये जो गन का स्किन है वो गेम में अवेलेबल हो चुका है, क्रेडिट्स के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस गन के स्किन को नहीं लिया है तो जाओ जल्दी से ले लो, ये जो गन का स्किन है वो स्टोर में अवेलेबल हो चुका है। तो बस यार यही कुछ छोटे मोटे अपडेट थे जो कि मुझे आप लोगों को देना था। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमारा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो वहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, फेसबुक पेज को जरूर से ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर भी फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स एंड अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। बस सर जाते जाते एक बार और इस डायलॉग को बोल ही लेता हूँ, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी। खैर मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।